इन दिनों सियासी गलियारों से लेकर देश की गलियों तक में राहुल गांधी की शादी के चर्चे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह से शादी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन अब इस शादी की सच्चाई खुद अदिति सिंह ने बताई है। तो क्या है राहुल की शादी का राज, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कौन बनेगी गांधी परिवार की बहू? सोनिया गांधी के बाद कौन संभालेगी परिवार की कमान? राहुल गांधी किसे बनाएंगे अपनी दुल्हनिया? आखिर कब होगी गांधी परिवार के इकलौते चिराग की शादी? कई सालों से राहुल गांधी की शादी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष की शादी को लेकर चर्चे शुरू हुए, कहा जाने लगा कि कांग्रेस विधायक अदिति सिंह से राहुल शादी कर सकते हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों को लगा कि अब राहुल की शादी को लेकर इंतजार खत्म होगा, लेकिन खुद अदिति सिंह ने इन कयासों पर विराम लगा दिया और इस रिश्ते की सच्चाई बताई। इसके साथ ही अफवाह फैलाने के लिए बीजेपी पर दोष भी मढ़ा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, सोशल मीडिया पर मेरी और राहुल गांधी जी की शादी को लेकर लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी मेरे राखी वाले भाई हैं, ये मात्र अफवाह है। उन्होंने अपील की है कि अफवाह फैलाने वाले बाज आ जाएं। अदिति ने इशारों इशारों में अफवाह के पीछे बीजेपी को बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के उनसे शादी की अफवाह फैलाकर कर्नाटक चुनाव में जी जान से जुटे हुए कांग्रेसियों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मेरे बीच काफी पुराने पारिवारिक संबंध है। ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये पारिवारिक मुलाकातों का हिस्सा है। आपको बता दें कि अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं। माना जाता है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी हैं। अदिति सिंह ने अपना राजनीतिक सफर 2017 में कांग्रेस के टिकट पर शुरू किया था, तभी राहुल ने उनके लिए प्रचार किया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।